हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लिख रहा हूँ यूरिया प्लांट का नेक्स्ट प्रश्न। और इसमें हम सीखेंगे ओनली यूरिया प्लांट का प्रोसेस फ्लो डायग्राम, PFD, प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है। दोस्तों, इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरी जो अपकमिंग जो यूरिया पे वीडियो होंगी वो किस किस टॉपिक पे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये थोड़ा सा अगर ये पता चल जाए कि क्या होता है यूरिया प्लांट में, तो हमें यूरिया प्लांट समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद सभी सेक्शन को जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारे एकदम हाईली डीपली जो है एक्सप्लेन करूँगा मैं, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाता रहूँगा। सबसे पहले दोस्तों, जो यूरिया प्लांट है, यूरिया प्लांट जो है उस जो यूरिया प्लांट में जो यूरिया बनने की जो प्रोसेस है उसके लिए जो दो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो है एक अमोनिया और CO2। तो अमोनिया जो है अमोनिया प्लांट से जो आ रही है, अमोनिया प्लांट कैसे से अमोनिया कैसे बनती है वो सारी चीज़ें मैंने अमोनिया प्लांट का जब मैंने पूरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम समझाया था प्लस एवरी सेक्शन के बारे में बताया था, तो उसमें तो आप एक बार अगर नहीं देखे हो तो अमोनिया प्लांट का टोटल आप प्रोसेस फ्लो डिस्क्रिप्शन से लेके हर एक सेक्शन को आप जरूर देखें। उसी में आप एक मैंने सेक्शन पढ़ाया था CO2 रिमूवल सेक्शन, उसे आप क्या करो उसे भी देख लो, जिससे आपको पता चल जाए कि अमोनिया कैसे बनती है, CO2 कैसे बनती है। वो एक बेसिक जो है मेरी वीडियो में वो ऑलरेडी है। अब चलते हैं हम कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या है, यूरिया बनने की क्या है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इसमें डीपली हम नहीं जाएंगे, बस एक तरह से फ्लो डायग्राम बता देंगे आपको। तो दोस्तों, प्रोसेस फ्लो डायग्राम में सबसे पहले आप जानते हो कि अमोनिया और CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम अमोनिया गैस सर्किट प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि अमोनिया गैस कैसे कैसे आई है यूरिया प्लांट में वो सबसे पहले हमें पता करना है कि अमोनिया गैस कैसे कैसे आई है। उसका प्रेशर जो है 240 kg हुआ तो कैसे हुआ, उसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले अमोनिया का पूरा सर्किट डायग्राम आपको बताएंगे। और यूरिया बनने के लिए सबसे पहले अमोनिया प्लांट का जो अमोनिया आ रही है उसका प्रोसेस फ्लो डायग्राम से लेके अमोनिया प्लांट कैसे अमोनिया जो है गैस कैसे यूरिया प्लांट में है वो भी आपको पहले बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों CO2 गैस सर्किट प्रिपरेशन। जो CO2 गैस आई जो अपनी अमोनिया प्लांट से, उसको CO2 कंप्रेसर में ले गए, फिर उसका प्रेशर कितना कर दे, 160 kg प्रेशर किया, उसका टेम्परेचर 110 डिग्री हुआ, और ये कैसे हुआ उसके लिए सबसे उसके बाद ये दूसरी वीडियो मेरी रहेगी CO2 गैस प्रिपरेशन सेक्शन। तो यहाँ से हम CO2 गैस को प्रिपेयर कर लिए, यहाँ से अमोनिया गैस को प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद हम यूरिया सिंथेसिस इन रिएक्टर, उसके बाद इन दोनों को जो है यूरिया सिंथेसिस रिएक्टर में ले गए। और रिएक्टर का हमारा जो प्रेशर है वो है 156 kg यहाँ पे, और टेम्परेचर जो है दोस्तों 188 डिग्री। ये बस मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ जो आप याद रखो छोटे लेवल पे, कि सबसे पहले हमारी CO2 गैस आई 160 kg प्रेशर और 110 डिग्री टेम्परेचर पे, अमोनिया आई 78 डिग्री टेम्परेचर पे और 240 kg प्रेशर पे, उसको हमने यूरिया सिंथेसिस रिएक्टर में ले गए। अब यूरिया सिंथेसिस रिएक्टर में क्या होता है दोस्तों, यूरिया सिंथेसिस रिएक्टर में 2-स्टेप रिएक्शन होती है, यानी कि यूरिया जो है 2 स्टेप में दूसरे स्टेप में बनती है, पहले स्टेप में नहीं बनती है। 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है वो समझ लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट स्टेप जैसे हमारे N2+3H2 मिलके हमारा बना 2NH3, तो ये 1 स्टेप रिएक्शन है, यानी कि एक ही स्टेप में ये अमोनिया गैस बन गई, लेकिन एक स्टेप में यूरिया नहीं बनती, यूरिया जो है 2 स्टेप में बनती है। कैसे बनती है, सबसे पहले जो है अमोनिया और CO2 को तो रिएक्टर में ले गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, सबसे पहले जो है अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ, दो मोल हमारे अमोनिया प्लस CO2 ये मिल के हमारा सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट बना है NH2COONH4, और ये जो रिएक्शन है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट यहाँ पे निकली। उसके बाद क्या होगा, ये तो पहले स्टेप में है, दूसरे स्टेप में क्या होता है दोस्तों, डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट,
अमोनियम कार्बामेट का डिहाइड्रेशन होता है। जब अमोनियम कार्बामेट का डिहाइड्रेशन होगा तो वो दो चीज़ों में टूटेगी, एक तो हमारा यूरिया में और दूसरा पानी में, वाटर में। तो ये NH2CO2, NH4, ये है हमारा अमोनियम कार्बामेट, और जब ये इसका डिहाइड्रेशन किए तो हमारी बनी यूरिया NH2CO, NH2+ वाटर। और लेकिन ये डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पहले एक्जोथर्मिक और दूसरा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक तो आप जानते ही हो। यहाँ पे जो है दोस्तों अमोनियम कार्बामेट जो है वो डिहाइड्रेशन के लिए, जब उसका डिहाइड्रेशन हुआ तो वो जो है उसे हीट हमने दी, और वो कैसे दी वो मैं जब आपको HP सेक्शन बताऊंगा तो उसमें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों रिएक्टर में क्या हुआ कि 40% कन्वर्जन हमारा हो गया। यहाँ पे कन्वर्जन कितना हो गया है, यानी कि 40% यहाँ पे यूरिया बन गई, यूरिया सिंथेसिस इन रिएक्टर में हमारी यूरिया जो है 40% बन गई। बाकी जो है बचा 60%, 60% का हम करेंगे क्या, उसे तो हम वेंट नहीं कर सकते, ओपन एटमोसफेयर में छोड़ नहीं सकते। तो उसके लिए हम करते हैं टोटल रिसाइकल, टोटल क्या करते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस यूज करते हैं, और टोटल हम इसको रीयूज करेंगे, टोटल रीयूज करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम क्या करते हैं कि रेस्ट ऑफ 60% जो बचा हमारा रिसाइकल जो है रीयूज होता है बाय हेल्प ऑफ अमोनियम कार्बामेट डिकम्पोजिशन। अमोनियम कार्बामेट के डिकम्पोजिशन करके हम जो है रेस्ट ऑफ 60% को क्या करेंगे दोस्तों, रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे हमारा अमोनियम कार्बामेट बना वो, और वो 40% वो यूरिया बना लिया, लेकिन 60% जो है अनकन्वर्टेड हमारा अमोनियम कार्बामेट है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। अमोनियम कार्बामेट को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। जब डिकम्पोज करेंगे तो अमोनियम कार्बामेट जो है दो चीज़ों में टूटेगा, एक तो अमोनिया में और दूसरा CO2 में, और ये जो रिएक्शन होगी वो होगी इंडोथर्मिक, यानी कि हीट देंगे, हीट दे के, हीट अप्लाई करके दे के हम अमोनियम कार्बोनेट को अमोनिया और CO2 में तोड़ देंगे। तो ये जो इसके बाद जो है यूरिया सिंथेसिस इन रिएक्टर, तो 40% हमारा कन्वर्जन हो गया। उसके बाद जो है बचा जितने भी सेक्शन है, चाहे वो HP सेक्शन हो, चाहे MP सेक्शन हो, चाहे LP सेक्शन हो, इन तीनों सेक्शनों में हम क्या करेंगे, अमोनियम कार्बामेट को डिकम्पोज करेंगे, यानी कि रेस्ट ऑफ जो अमोनियम कार्बामेट जो नहीं बन पाया, 40% बस यूरिया बना पाया और बाकी नहीं बना पाया, तो उसको बस तोड़ तोड़ के CO2 को अलग करेंगे, अमोनिया को अलग करेंगे। तो HP सेक्शन में हम क्या करेंगे, HP सेक्शन रिकवरी जो मैंने बताया है, HP सेक्शन में उसी अमोनियम कार्बोनेट को 145 kg प्रेशर और 190 डिग्री टेम्परेचर देके तोड़ेंगे। उसके बाद MP सेक्शन में यहाँ पे कुछ टूट जाएगा, सपोज करो कि 15% अमोनियम कार्बोनेट यहाँ पे डिकम्पोज हो गया, कहाँ पे, HP सेक्शन में, और बाकी जो बचा टोटल हमारा सपोज करो 60% बचा, 40% तो कन्वर्जन हो गया, बाकी 60% बचा, तो 60% में से 15% को हम ले जाके HP सेक्शन में जो है अमोनियम कार्बोनेट को क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, कितने प्रेशर पे, 145 kg प्रेशर और 190 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद जो बचा, यानी कि यहाँ से मोटा मोटा आप लेके चलो 20%, 20% लेके चलो कि 20% को हमने डिकम्पोज कर दिया कि इसमें अमोनिया और CO2 में, बाकी जो अभी भी क्या बचा, 40% बचा। तो 40% में से सपोज करो कि MP सेक्शन में अमोनियम कार्बोनेट को ब्रेक किए और कितने प्रेशर पे, 17.5 kg प्रेशर पे, और टेम्परेचर कितना है, 160 डिग्री टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे भी सपोज करो कि हम 20% यहाँ पे ब्रेक कर दे, तोड़ दे, डिकम्पोज कर दे अमोनियम कार्बोनेट को, फिर भी हमारा 20% बचा, उस 20% को हम ले जाके LP सेक्शन में भी हम डिकम्पोज कर दे, तो ये 20% खत्म, यानी कि ओवरऑल हमारा जो अमोनियम कार्बोनेट है 60% जो बचा उसे कुछ अमाउंट में HP सेक्शन में, कुछ अमाउंट में MP सेक्शन में, और रेस्ट ऑफ जो बचा उसे LP सेक्शन में डिकम्पोज कर दिए। तो ये तीन सेक्शन जो है HP सेक्शन, MP सेक्शन, LP सेक्शन, यहाँ पे बस जो अमोनियम कार्बोनेट जो पूरी तरह से यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाया, इन तीनों सेक्शनों में वो कन्वर्ट, इन तीनों सेक्शन में बस वो डिकम्पोज होगा, और जब डिकम्पोज होगा ये अमोनियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो वो टूटेगा अमोनिया में और
सीओ टू में, और ये जो है एक्जो सॉरी इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जब टूटेगा तो हीट देंगे, तो हीट देंगे तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब आप कहोगे कि एचपी सेक्शन में हमने 145 केजी प्रेशर और 190 डिग्री टेम्परेचर पे तोड़ा, एमपी सेक्शन में 17.5 केजी प्रेशर और 160 डिग्री टेम्परेचर पे तोड़ा, एपी सेक्शन में मात्र 3.5 केजी प्रेशर या 4.5 केजी प्रेशर पे और 140 डिग्री टेम्परेचर पे अमोनियम कार्बामेट को तोड़ा, ये कैसे पॉसिबल है? तो ये भी पॉसिबल है दोस्तों, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये पॉसिबल है, क्यों हम कैसे हम इतने टेम्परेचर पे 140 डिग्री टेम्परेचर पे ही कैसे अमोनियम कार्बोनेट को तोड़ लिए, जबकि एचपी सेक्शन में हमने 190 डिग्री टेम्परेचर पे अमोनियम कार्बोनेट को तोड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्तों देखो, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसे आप इजीली समझ सकते हो। सबसे पहले गैस के रूप में आप लो, देखो कि जैसे हमारा कोई, अगर हम किसी गैस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो गैस का जो वॉल्यूम होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गैस पूरी है, उसको आप उस पर प्रेशर अप्लाई करो तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कम स्थान में मैक्सिमम जो है गैसें इकट्ठा होंगी, यानी कि पहले प्रेशराइज हैं गैस तो वो उनका वॉल्यूम कम है, तो एक कम वॉल्यूम में ढेर सारी गैसें हैं, ठीक। अब जब ढेर सारी गैसें हैं तो इनको आप डिकम्पोज करो, मतलब कि इनको सेपरेट करो, इनके मॉलिक्यूल को अलग अलग करो, तो जब इनके मॉलिक्यूल को आप अलग करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हीट देना पड़ेगा, तभी तो हाई प्रेशर पे वो लो वॉल्यूम है और उनको जो है अलग अलग करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट दोगे तब जाके वो टूटेंगी या अलग होंगी, अलग अलग होंगे उनके मॉलिक्यूल। ठीक इसी का उल्टा, अगर आप जो वो गैस हैं उन जो हाई प्रेशर पे हैं उनको लो प्रेशर पे लाओ, तो जैसे ही आप लो प्रेशर पे लाओगे, प्रेशर अगर गैसों का लो कर दोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो दूर दूर हो जाएंगी, और जब दूर दूर हो जाएंगी तो उनको आप आराम से हीट अप करके उनका सेपरेशन कर सकते हो, या उनको डिकम्पोज कर सकते हो, या उनका मूवमेंट एक जगह से दूसरे स्थान पे कर सकते हो। जैसे व्यवहारिक जीवन में अगर मैं बात करूं तो जब 10 लोग एक जगह इकट्ठा हों तो उन पे अगर शेर हमला करना चाहे तो हमला नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग एक जगह इकट्ठा हैं, वो हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं अगर दूर दूर हों, अलग अलग हों, तो शेर जो है ईजिली हमला कर देगा। यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। एच पी सेक्शन में क्या किया हम, एच पी सेक्शन का जो प्रेशर है 156 केजी है, सॉरी 145 केजी है, अगर यहाँ पे लेके चले तो एच पी सेक्शन का, तो प्रेशर क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, वॉल्यूम क्या है कम है, कम वॉल्यूम में सारे जो है हमारी गैस, चाहे अमोनिया है, चाहे सीओ टू है, चाहे स्टीम है, चाहे यूरिया है, या अमोनियम कार्बोनेट कुछ भी है, तो वो जो है हाई प्रेशर पे लो वॉल्यूम पे हैं सब, तो उनको जो है तोड़ने के लिए आपको कितना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब आते हैं लो एलपी सेक्शन में, एलपी सेक्शन में जो है प्रेशर कितना है, ओनली 3.5 है, तो कंपोजिशन तो वही है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्या कर दिया आपने, लो कर दिया, तो लो कर दोगे तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, बहुत फैल जाएंगे, तो उनको आप इजीली थोड़ा सा टेम्परेचर दे दो, यानी कि 140 डिग्री ही टेम्परेचर दोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कार्बामेट हमारा ब्रेक हो जाएगा इजीली। तो सारा खेल हमारा क्या है दोस्तों, प्रेशर का है, प्रेशर बढ़ा के रखोगे तो वॉल्यूम जो है गैसों का कम होगा, या और उसको अलग करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए, या तोड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, वहीं अगर कम रखोगे, प्रेशर कम रखोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो वो अपने कंपोजिशन में या तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा क्या रहा, एच पी एम पी और एल पी में बस हमने डिकम्पोज किया जो अनकन्वर्ट जो था अमोनियम कार्बोनेट। अब उसके आगे क्या होगा, वहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 100% जो है हमारा डिकम्पोजिशन हो गया। अब उसके बाद जो है डिकम्पोज हो गया, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा अमोनिया, सीओ टू, अमोनिया भी बचेगी गैस फेज में, सीओ टू भी बचेगी गैस फेज में, और एच टू ओ पानी भी बचेगा, या तो स्टीम के रूप में रहेगा, या तो अमोनिया के साथ घुला रहेगा, तो सॉरी यूरिया के साथ घुला रहेगा तो लिक्विड फेज में रहेगा,
और बचेगा यूरिया। तो हमें क्या चाहिए, बस यूरिया चाहिए, ये यूरिया देके हमें चलना है। बाकी को अमोनिया को अलग करना है, CO2 को अलग करना है, पानी को भी अलग करना है। पानी अप्रोक्स यहाँ पे LP सेक्शन तक आते आते अप्रोक्स 40% के आसपास हो जाता है, 30 से 40%, कितना होता है मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। तो पानी को भी हमें हटाना है, अमोनिया को भी हटाना है, CO2 को भी हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वैक्यूम सेक्शन का यूज करेंगे। अब आप कहोगे कि हम यहाँ पे तो टेम्परेचर बढ़ा के अमोनिया को निकाल देंगे, CO2 को निकाल देंगे या पानी को निकाल देंगे, हम वैक्यूम का यूज क्यों कर रहे हैं? दोस्तों वैक्यूम का यूज करने से हमारे पास दो फायदे मिलेंगे। वैक्यूम के यूज से दो फायदे हैं, एक तो वैक्यूम में हमारा जो है, अगर हम वैक्यूम में रखें कोई चीज़ को, वैक्यूम में रखें तो उस वो जो है अपनी बॉइलिंग पॉइंट, अगर उसका 100 है तो वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वो वेपराइज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वेपराइज हो जाएगा। जैसे अगर वाटर के केस में, तो अगर 6 mmHg वैक्यूम पे, अगर 6 mmHg वैक्यूम पे हमारा वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है, BP ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मात्र 4 डिग्री पे ही वो बॉयल हो जाएगा, यानी कि वेपराइज हो जाएगा। तो एक तो ये फायदा है कि वैक्यूम में ले जाने पे बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही कोई भी चीज क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। और दूसरी चीज, जो हमारी जो है अमोनिया है या CO2 है या पानी है H2O है, ये क्या है, यूरिया के साथ है, यूरिया के साथ। यूरिया हमारा लिक्विड है और अमोनिया, CO2 और पानी, CO2 और अमोनिया को समझो, अमोनिया और CO2 जो है वो यूरिया सोल्यूशन में क्या है, सोल्यूबल है, मतलब घुली हुई है। तो आप जानते हो कि जो गैस की सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी कि गैस की जो सोल्युबिलिटी लिक्विड में जो गैस की सोल्युबिलिटी है वो जो है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाओगे तो गैस की सोल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे हम क्या किए, हमने क्या किया, वैक्यूम में ले गए, यानी कि उसका प्रेशर क्या किया, घटा है। तो जो अमोनिया और CO2 जो यूरिया के साथ सोल्यूबल हैं, तो लो प्रेशर पे उनकी सोल्युबिलिटी कम होगी और घटेगी। तो जब घटेंगी तो वो इजीली वेपराइज होके बाहर निकल आएंगे, इजीली वेपराइज होके बाहर निकल आएंगे। वहाँ पे स्टीम का कंजप्शन आप करोगे ही नहीं तो भी वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि प्रेशर कम तो सोल्युबिलिटी कम, प्रेशर ज़्यादा था तो सोल्युबिलिटी गैसों की ज़्यादा थी, किसमें, लिक्विड में यानी कि यूरिया में। तो एक ये रीज़न है, एक तो हमारी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हम वेपराइज कर सकते हैं, दूसरा जो है गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो डाउन हो जाएगी, तो आराम से इजीली हम किसको हमारा कहा गया अमोनिया को और CO2 को इनको रिलीज कर देंगे। दो रीजन है। और तीसरा रीजन है बायरेट फार्मेशन। ये जो है यूरिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अगर बायरेट फार्मेशन यूरिया के अप्रैल में बना तो वो पूरा खेतों में जो है फायदे की जगह नुकसान कर देगा, पूरी फसल को जला के राख कर देगा। तो बायरेट फार्मेशन कब बनता है, उसके लिए यही कंडीशन है कि जब आप हाई टेम्परेचर दे दो या उसके होल्डिंग टाइम ज़्यादा रख दो तो बायरेट फार्मेशन बन जाएगा। तो आप जब लो वैक्यूम में रखोगे, सेपरेशन कराओगे, तो वहाँ पे कम टेम्परेचर यूज करोगे, तो बायरेट फार्मेशन का चांस ही नहीं है, यूरिया जलने की कोई चांस ही नहीं है, यूरिया जो केकिंग बनने की कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो या सॉरी केकिंग कह रहा हूँ, बायरेट फार्मेशन की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसलिए हम वैक्यूम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो वैक्यूम यूज करते हैं वो 0.35 से जो प्री वैक्यूम है, प्री वैक्यूम में सबसे पहले ले जाते हैं सोल्यूशन को। तो यहाँ पे जो प्रेशर है 0.35 से लेके 4 एटा, टेम्परेचर 110 के आसपास, और उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ यूरिया इन फर्स्ट स्टेज वैक्यूम का जो प्रेशर है
0.3 एटा है, टेम्परेचर 125 से 130 डिग्री है। और उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ यूरिया इन सेकेंड स्टेज वैक्यूम, यहाँ का टेम्परेचर हम रखते हैं 133 से 135, जो फाइनल होता है जो प्रील को जाता है, और प्रेशर जो रहता है 0.03 एटा, यहाँ पे 0.3 एटा, यहाँ पे 0.03 एटा। दोस्तों 3.3 एटा जो है अप्रोक्स 0.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये कहाँ से आया उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, उसे आप देख सकते हो। तो ये जो है एटा एब्सोल्यूट प्रेशर, इसकी यूनिट है। तो यहाँ पे पॉइंट सबसे पहले प्री वैक्यूम में कितना प्रेशर था, 0.3 एटा था, और फर्स्ट स्टेज में 0.3 इसे सॉरी प्री वैक्यूम में 0.35 एटा से लेके 0.4 एटा था, फर्स्ट स्टेज में 0.3 एटा, सेकंड स्टेज में 0.03 एटा। उसके बाद अब जो यहाँ पे हमारी यूरिया मिलेगी उसमें ओनली जो है यूरिया की जो कंसंट्रेशन रहती है 99.7% और 0.3% हमारा रहता है पानी, पानी जो है 0.3% रहता है कहाँ पे, यूरिया प्रीलिंग में। तो 0.3 पानी रखने का क्या मतलब है, क्योंकि दोस्तों अगर पानी नहीं रहेगा तो यूरिया जो है केक वहीं चोक हो जाएगी, लाइन में चोक हो जाएगी, उसका फ्लो जो है होगा नहीं। फ्लो के लिए हम उसमें थोड़ा सा पानी रखते हैं ताकि वो चिपचिपा रहे, तो इजीली पाइपलाइन को चोक ना करे और इजीली उसका फ्लो होता रहे, और उसका टेम्परेचर 133 से 135 तक होता है। उसके बाद उसको प्रीलिंग टावर पर ले जाते हैं, और प्रीलिंग टावर के बाद जब नीचे आती है तो स्क्रेपर पर गिरती है। उसके बाद अगर उसका टेम्परेचर 70 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसे यूरिया कूलिंग के लिए भेज देते हैं। यूरिया कूलिंग में हम बल्क फ्लो कूलर यूज करते हैं, वहाँ पर वो ठंडा करके उसके बाद पैकिंग के लिए भेज देते हैं। और लास्ट में एक और प्लांट मैं डिस्कस करूँगा, प्रोसेस कंडेंसेट ट्रीटमेंट प्लांट, पीसीटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊँगा बहुत डीपली दोस्तों, एक भी वीडियो मिस मत करना। अगर आप सभी वीडियो देख लोगे तो आपको यूरिया प्लांट क्या है उसके बारे में पूरा आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत डीपली मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, और आई होप आपको प्रोसेस फ्लो डायग्राम भी समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।